नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे फैमिली चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं जा रहा हूँ आईफोन 14 प्रो अपना पिक करने के लिए, और बड़ी मुश्किल से मिला है यहाँ पर। नॉर्मली स्टोर में नहीं था, ऑनलाइन में 4-5 हफ्ते की वेटिंग थी। पहले मेरा मूड नहीं था लेने का, मैंने कहा नहीं यार क्या लेना अभी चल रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं भाई मेरे को 14 प्रो चाहिए। उसके दो रीज़न है, एक तो भाई मैं जैसे कि वीडियो बनाता हूँ तो उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी आएगी, दूसरा विवान अब बड़ा हो रहा है, उसकी क्लास में सभी बच्चों के पास फोन है सिवाय विवान के, उसके पास अभी तक फोन नहीं है, हमने उसे नहीं दिया। और कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे टेनिस खेल रहा होता है, वहां पर टेनिस में अपने होता है, तो उसके उसको हमें फोन करना होता है कि भाई मेरा फिनिश हो गया आप हमें लेने आ जाओ, तो कई बार उसको फिर वेट करना पड़ता है या किसी और के फोन से फोन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो फोन मैं रख लूंगा और जो मेरा अपना है पुराना वाला ये मैं विवान को दे दूंगा। तो अदरवाइज मैं लेता नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं थी फोन की बिल्कुल भी अभी, बट विवान को देने के लिए मेन रीजन तो यही था उसको देना है, तो मेरा चलिए एक फोन ले लेते हैं दूसरा और उसको दूंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पिकअप करने के लिए फोन। लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस इन एप्पल स्टोर। तो मैं जा रहा हूँ हाईपॉन शॉपिंग सेंटर में और वहां से पिकअप करके लाता हूँ। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ शॉपिंग सेंटर में, 2-4-5 मिनट लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक था क्योंकि रास्ते में रोड ब्लॉक थी, तो उसको घूम के आया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर आईफोन पिकअप करने के लिए, चलिए सब लोग साथ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एप्पल आईफोन में, एप्पल शोरूम के सामने मैं जा रहा हूँ अंदर, लेके आता हूँ अपना फोन 14 प्रो। तो दोस्तों मैंने चेक इन तो कर दिया है, अभी वेट कर रहा हूँ क्यू में मैं अपने नंबर का, क्योंकि जो अभी जेंटलमैन है इनके बाद मेरा नंबर आएगा तब मेरे को मेरा फ़ोन मिलेगा। और मैं एक मिनट पहले आ गया हूँ, 10:30 लास्ट था मेरा अपॉइंटमेंट का, मैं 10:29 पर यहाँ पहुँच गया हूँ, बट ऐसा नहीं अगर देर भी हो जाती तो भी फ़ोन दे ही देते ये। तो दोस्तों फ़ोन मिल गया है और साथ में उसका जो कवर लिया था वो भी मिल चुका है, और बड़ा ईजी प्रोसेस था, बस गए चेक इन किया, उनको अपनी आईडी दिखाई और पिकअप यहीं से था, तो ऑलरेडी ऑर्डर रेडी था। और जो मेरे फ़ोन का बॉक्स था उस पर इन्होंने मेरा नाम भी लिखा हुआ था, तो बस गए बॉक्स उठा के लाए, हैंड ओवर किया, दैट्स इट, वेरी इजी सिंपल। कल ऑर्डर किया था आज मिल गया, पहले मैं ऑर्डर कर रहा था लेकिन तब 4-5 हफ्ते की वेट थी, तब भी ऑलमोस्ट इसी टाइम पर आता, बट फाइनली मिल गया है। ये लिया है मैंने 256 GB आईफोन 14 प्रो एंड डीप पर्पल कलर में, दिखाया था एक बार बॉक्स में आपको। तो ये वाला फ़ोन है दोस्तों डीप पर्पल कलर में, 256 GB 14 प्रो। तो कल को करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, और विवान का बर्थडे भी आने वाला है जल्दी ही, तो उसको दिवाली वाले दिन ही उसका बर्थडे है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर, क्योंकि वो ही एक ऐसा बच्चा है अपनी पूरी क्लास में जिसके पास फ़ोन नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको उसके बर्थडे पर अपना पुराना वाला फ़ोन उसको दे दूँगा। नॉर्मली ईयर 6 ईयर 7 में सभी बच्चों के पास फ़ोन होता है, बट हमने कोशिश करी जितना उसको फ़ोन ना दें उतना अच्छा है, बट नाउ हमको लग रहा है कि अभी, बट अब हमको ऐसा फील हो रहा है कि उसको फ़ोन की ज़रूरत है, क्योंकि बट बेसिकली उसको सिर्फ टेनिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो तभी देंगे। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है, जो भी बच्चों के प्लान आते हैं, किड्स प्लान आते हैं, उसमें ये लोग ज़्यादा कुछ ओपन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इनको जो ज़रूरत है उतना ही चीज़ ओपन होगा, उतना ही चलेगा। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे कल को और देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों, थोड़ा सा सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, थैंक यू गाइस। लास्ट वीक में पापा जी को भी यहाँ पे लेके आया था, तब फोन अवेलेबल नहीं थे, उसकी वीडियो भी मैं एक दिन में अपलोड करने वाला हूँ।